आज का रात की क्लास है 5 जनवरी 1968। अधूरी मुरली उठाई है, बोला जाके बाप ही स्थापन करेंगे। है? क्या स्थापन करेंगे? नई दुनिया। कहां जाके स्थापन करेंगे? अरे मनुष्य थोड़े ही स्थापन कर सकेंगे, और फिर हम जो स्थापन करते हैं, यानी बाप जो ब्रह्मा कुमारियों के साथ या ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्थापन करते हैं, तो फिर उन ब्रह्मा कुमारियों को भी तो प्राइस चाहिए ना। भी क्यों लगाई दिया है? ब्रह्मा कुमारियों को भी चाहिए, और फिर ब्रह्मा कुमार छूट जाएंगे क्या? तो उनको यही प्राइज है। किनको? ब्रह्मा कुमारियों को, कि वो उस नई दुनिया की डायनेस्टी में चली जाती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये तो बेहद के बाप से बेहद की प्राइस मिलती है। और यही बेहद का बाप स्थापन कर रहे हैं। तो कोई न कोई जरूर समझेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सभी नहीं समझेंगे। यह इनके ऊपर लिखत है, जैसे बाबा ने दिया कि उनको अच्छी तरह से बैठ करके लिख करके और बांटते जाए। ऐसे करेंगे तो भी ठीक है। जैसे 60 में कोई जो बाप समझाते हैं, जैसे कल समझाया था, पहले पहले तो 5 मिनट के लिए समझाया, संदेश मात्र दिया, तो बोलो देखो 5 मिनट लगते हैं, और ये 5 मिनट भी बहुत हैं। अगर 2-3 मिनट की भी लिखत अच्छी हो भी इस प्रकार है, और जो पीस कॉन्फ्रेंस होती रहती है वहां भी न जाए, सिर्फ लिखत ही भेज दे भी, तो वो भी ठीक है। बाकी बाबा कहते हैं कि अभी कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस में कोई समझे, परंतु अभी तो ये नहीं हो सकता है, और अगर कोई समझेगा भी तो थोड़ा उनको दिल से लगेगा। तो दिल से लगेगा तो उनमें से एक चले आएंगे, और वो एक आकर के समझ के जाएंगे। अब एक से तो कुछ काम तो नहीं आते हैं ना,
क्योंकि अभी तो जो समय चल रहा है वो साधारण बच्चों का समय चल रहा है। कोई नामी ग्रामी आ जाए हाँ, और जाकर के जैसे कोई बड़ा एमपी आवे या कोई और जो भी नामी ग्रामी कोई हो और वो अखबार में डाल देवे अपने नाम से कि ये जो कुछ समझाते हैं वो बिल्कुल राइट है, तो एमपी तो बड़ा हुआ ना। तो एमपी वाले भी तो पूछेंगे उनसे, अरे ये तुम कैसे कहते हो है? कि ये जो कुछ समझाती है ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो बिल्कुल राइट है, तो जरूर उनमें ताकत भी रहेगी समझाने की, क्योंकि जो डालेगा ना अखबार में उनमें ताकत तो जरूर होगी समझाने की। तो आगे चल करके ऐसे ऐसे कोई न कोई आ जाएंगे। बाकी कोई पैसे की तो बात ही नहीं है बच्चों को, ये तो बाप भी समझते हैं और दादा भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं कि ये जो झाड़ है ना ब्राह्मणों का वो धीरे धीरे वृद्धि को पाना है, और हो बहु कलप पहले मिसल वैसे ही धीरे धीरे जैसे पूर्व कल्प में पाया था। इसलिए पुरुषार्थ करना है जरूर, और स्थापना तो हो ही जाने की है, है। हम तो अपनी राजधानी के झाड़ तो नजदीक ही है ना, और यहां कोई बारूद आ दे खरीदने की तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं। अब बारूद के नाम से तो बच्चों को रूहानी नॉलेज मिलती है ना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान की तलवार है। योग का जिर है वक्तर, योग का कवच ज्ञान की कटार। देखो ऐसे ऐसे अक्षर कहते रहते हैं, बाकी वो जो उन्होंने कटारियां वटारियां दिखाई हैं वो तो कुछ है नहीं जो शास्त्रों में चित्रों में दिखाई। अगर हैं कटारियां किसी के हाथों में तो वो तो हिंसक लोगों के हाथ में है, और तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, न काम की कटारी न स्थूल कटारी खून खराबे की, तो डबल अहिंसक हो। बाकी अभी तो अर्थ समझाना पड़ता है, बच्चों को भी समझाया है कि बड़ी ते बड़ी हिंसा है काम कटारी की। तो भाई दो हैं ये, और हम तो देखो विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, और हर एक बच्चे को समझाना है कि विश्व में शांति योग बल से यानी याद के बल से स्थापन होनी है।
वो है याद का बल। और ये जो सुनाते हैं ये ज्ञान का बल। तो उस याद के बल को बढ़ाने के लिए खुद बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं। और आकर के क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो ढेर के ढेर देह के सभी जो बंधन हैं, वो सभी छोड़ अपन को आत्मा समझो। देह समझेंगे तो देह के बंधन आवेंगे, आत्मा समझेंगे तो बंधन की कोई बात ही नहीं। तो ये भी तो ज्ञान समझना समझाना है ना। तो योग के लिए भी ज्ञान, वो ज्ञान की समझानी देनी होती है कि सिर्फ मेरे साथ बुद्धि का योग लगाना है। और फिर सच चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी तो समझ लेते हो ना। तो एक बोर्ड में लिखो कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आकर के प्राप्त करो। ये बेहद का बर्थराइट आकर के स्थापन हो रहा है, तो आकर के प्राप्त करो। ऐसे बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से उनमें अक्षर हैं जो लिख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इतने निकलेंगे स्लोगन्स वगैरह जो फिर उनके पास जगह नहीं होगी लिखने की। सिर्फ वहां लिखने से कि गेटवे टू हेवन, क्या क्या है गेटवे टू हेवन? ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध है गेटवे टू हेवन। परंतु ये बंदर है, ये जंगली जानवर, ये जानवर मिसल कोई ऐसे समझते समझ थोड़े ही सकते हैं। नहीं, अब कोई को ऐसे समझावे तो थोड़ा भी नहीं, क्योंकि ये तो कांटों का जंगल है। तो कोई ऐसे समझेगा नहीं जो कहें कि भाई ये जंगल में जो मनुष्य हैं, जो जानवरों में चले हैं, है। जैसे जानवरों के मिसाल देते हैं ना, लड़ते हैं झगड़ते हैं, है। चीड़फाड़ करते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं। तो बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है। समझ के और समझा के फिर आना है। और फिर कितना समझावे, सिर्फ इतना ही समझावो कि बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाए। तो ये याद करने को क्यों कहते हैं, है? क्योंकि उस बाप को याद करेंगे जो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है, तो सारी खाद निकल जाएगी ना। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना।
बुद्धि है। बुद्धि से चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैती के संग आवे, वो रंग लगेगा, उनकी याद आवेगी, वैसे ही बन जावेंगे। तो ये बाप को याद करेंगे, आत्माओं के बाप को है, जिसमें कभी भी कोई खाद नहीं पड़ सकती, बल है, तमो प्रधान दुनिया में आता है, तमो प्रधान शरीर में आता है। कैसे कैसे गंदे गांव में आते हैं, परंतु तुम बच्चे जानते हो कि उन धर्म पिताओं को संग का रंग लगता है तो और ही विकारी दुनिया बनती जाती है, खुद भी विकारी बनते जाते हैं। और ये बाप कैसा है, इसको तो कोई संग का रंग लग ही नहीं सकता। तो उस एक बाप को याद करो, तो ये वर्षा मिल जाएगा नई दुनिया का, जहां कोई भी विकार नहीं होगा, न काम न क्रोध न लोभ न मोह। तो अब समझ में आया क्यों याद करने के लिए कहते हैं। तो ये वर्षा मिल जाएगा निर्विकारी दुनिया का, क्योंकि आत्मा के अंदर से ही खाद निकल जाएगी है। तो ये पक्का करना है क्या, कि हमको बड़ा रसीला होकर के चलना है। हाँ, बहुत मीठा बनना है, ऐसा ना हो कि समझाते समझाते क्रोध में आ जा रहे, ये तो हमारी बात समझते ही नहीं है, है? या उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं, नहीं, बहुत मीठा बनना है। उनको बताना है, देखो एक तुम लोग जो यहां इस दुनिया में लड़ते झगड़ते हो है, तो ये दुनिया में शोभा थोड़ा ही रहती है, तुम बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते हो, तो कोई नया आवेगा तो क्या कहेंगे, अरे कि बाहर की दुनिया में और यहां कोई अंतर तो है नहीं। म्यूजिक बजा, सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। 24